बंदूकों की दुनिया में यूं तो राइफल को सबसे खास माना जाता है, लेकिन पिस्टल की भी एक अपनी पहचान होती है। इसीलिए पिस्टल सेकेंडरी वेपन का कार्य करती है। अगर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पिस्टल की बात की जाए तो हर किसी के जहां में ग्लॉक 17 का नाम आता है। ऐसा हो भी क्यों ना, इस पिस्टल जैसी कोई और पिस्टल हो ही नहीं सकती है। इस छोटी सी गन में इतने फंक्शंस हैं कि पुलिस हो या फौजी, हर कोई इसे अपने पास चाहता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आज कुछ खास बातें। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद हर देश को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द से जल्द अपने हथियारों को अपग्रेड करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जंग के दौरान कई देश के प्रसिद्ध हथियार बेकार पड़ गए थे। ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रिया की सेना के साथ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही वह एक बढ़िया पिस्टल की खोज में थे। काफी लंबा वक्त बीत चुका था और उन्हें एक अच्छी पिस्टल नहीं मिली थी। इसी बीच गैस्टन ग्लॉक को ख्याल आया कि सेना के लिए एक अच्छी पिस्टल बनानी चाहिए। गैस्टन ग्लॉक हथियार नहीं बनाते थे। इससे पहले वे सेना के लिए चाकू और गोलियां रखने वाली बेल्ट को बनाते थे। हालांकि पिस्टल बनाकर वह पूरी तरह से हथियारों के बिजनेस में आना चाहते थे। इसके बाद गैस्टन ग्लॉक ने कुछ हथियारों के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया। उन्होंने उनसे कहा कि एक ऐसी पिस्टल बनाई जाए जो हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। इतना ही नहीं, गैस्टन को पॉलीमर का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सोच रखा था कि वो अपनी बंदूक को पॉलीमर से ही बनाएंगे। उनका ये फैसला आगे चलकर काफी अच्छा साबित हुआ। वर्ष 1969 में महज 3 महीनों के अंदर टीम ने 9mm की ग्लॉक पिस्टल बनाकर तैयार भी कर दी और इसके बाद इसकी टेस्टिंग की गई। ग्लॉक 17 बनाने वाली टीम को भी शायद अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या चीज बना ली है। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसने ग्लॉक 17 को सबसे खास पिस्टल बना दिया। जब गैस्टन ग्लॉक ने अपनी बनाई हुई ग्लॉक 17 ऑस्ट्रिया की सेना को दी तो वे हैरत में आ गए। उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई बंदूक देखी ही नहीं थी। इसमें बाकी पिस्टल की तरह फीचर्स नहीं थे, ना ही इसमें एक्सटर्नल सेफ्टी थी। इसकी खासियत सिर्फ ये थी कि ये एक मैगजीन में 17 गोलियां रख सकती थी और ये 1 सेंटीमीटर की ऑटोमेटिक पिस्टल थी। पॉलीमर से बनने के कारण इस बंदूक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसके बाद इसके जैसे हल्की, आसानी से पकड़ी जाने वाली और गर्म वातावरण को सहने वाली पिस्टलें कोई नहीं थी। इतना ही नहीं, इस बंदूक की अचूकता इतनी बढ़िया थी कि इससे चलाई गई गोली सीधे अपने निशाने पर जाकर लगती थी। थोड़े ही वक्त में ग्लॉक 17 इतनी पॉपुलर हो गई कि अमेरिका की नज़र इस पर पड़ गई। इसके बाद 1988 में ग्लॉक गन अमेरिका की ओर चली गई। माना जाता है कि उस समय अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा था। गली में मुलजिम और हथियार घूम रहे थे। ऐसे में अमेरिकी पुलिस उनसे लड़ने के लिए एक अच्छी पिस्टल चाहती थी। अमेरिकी पुलिस के हाथों जैसे ही ग्लॉक 17 आई, वे हैरान में पड़ गए। ये बंदूक इतनी अचूक थी कि उनके निशाने अपने आप ही ठीक हो गए। इसके अलावा इजी टू लर्न पिस्टल थी। इसे चलाना और सीखना बेहद आसान था और एक दिन में इसे सीखा जा सकता था। इसके बाद तो ग्लॉक पिस्टल की किस्मत ही खुल गई। अमेरिकी पुलिस से लेकर सेना तक किसी को भी ये दमदार पिस्टल चाहिए थी। इसके आते ही बेरेटा पिस्टल अपने आप ही हट गई। अब आपको बताते हैं कि ग्लॉक 17 की खूबियां और ताकत क्या है। ग्लॉक 17 9mm की गोलियों पर चलती है, इसीलिए इसकी एक मैगजीन में 17 गोलियां स्टोर हो जाती हैं। हालांकि इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है, गोलियों के मामले में इससे बढ़िया पिस्टल कोई और हो ही नहीं सकती। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें 9mm की कोई भी गोली लग सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोली किस बंदूक के लिए बनाई गई हो, अगर वह 9mm की है तो वो ग्लॉक 17 में आराम से आ सकती है। इसके अलावा ग्लॉक में लगने वाली 9mm की गोली भी बहुत आसानी से मिल जाती है। इस साइज की गोलियों को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ग्लॉक 17 कोई आम गन नहीं है। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत बदलाव भी आए हैं। अब इसमें लेजर स्कोप, फ्लैशलाइट जैसी कई चीजें लगाई गई हैं। इसके लगने के बाद इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ग्लॉक 17 एक बहुत ही भरोसेमंद पिस्टल भी है। माना जाता है कि ये किसी भी हालात से गुजरे, ये फिर भी बिना किसी परेशानी के काम करेगी। इस पर कई टेस्ट भी किए गए हैं। इसे हेलीकॉप्टर से गिराया गया, बर्फ में जमाया गया, किचन में रखा गया और मिट्टी में गाड़ा गया। इन सब चीजों के बावजूद भी इसने अच्छे से काम किया। इसके खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि ग्लॉक 17 के बाद इसके कई अपग्रेड मॉडल भी आए हैं और हर नए मॉडल ने कुछ नया ही करके दिखाया है। 1980 के जमाने से आज तक ग्लॉक की वही पहली जैसी पहचान है। आज भी बेझिझक इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये पिस्टल क्यों नंबर वन मानी जाती है। ग्लॉक 17 में इतनी खूबियां हैं कि वह खत्म नहीं होती है, इसीलिए आज भी इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके कई नए मॉडल है मगर इसके जैसी प्रसिद्धि और कोई नहीं हासिल कर पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस ग्लॉक गन के बारे में आपकी क्या राय है
जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।